हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर ने हाल ही में नेपाल में 7161 मीटर ऊंचे पुमेरी शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की है और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला भी बनी हैं। उन्होंने पुमेरी चोटी की फतह तो कर लिया है, लेकिन महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता पे वे जीत दर्ज नहीं कर पाई हैं। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ अपने सपनों को पूरा करने की जिद बलजीत के कदमों को रोक नहीं पा रही है। पुमोरी चोटी पर जीत हासिल करने के बाद अब पहाड़ की बेटी बलजीत कौर नेपाल के धौलागिरी पर्वत पर जीत हासिल करना चाहती है, जो दुनिया की 7वीं ऊंची पीक है। सोलन में ममलीक की रहने वाली बलजीत कौर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहाड़ों की चोटियों को फतह करना एक महंगा खेल है। ऐसे में चोटियों पर ट्रैक करने में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। बलजीत कौर ने बताया कि वे लोगों से मदद लेकर अपने ट्रैक के लिए निकल रही हैं ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। बलजीत का कहना है कि हमारे देश में जिस तरह से हॉकी ओलंपिक खेलों में सपोर्ट किया जाता है, उसी तरह पर्वतारोहियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा कि जब उन्हें चोटी पर विजय हासिल करने के लिए तैयारियां करनी चाहिए, वे उस कीमती समय में आर्थिक मदद के लिए दर भर भटकने को मजबूर हैं। सर, मेरी अभी जो पीक है वो धौलागिरी पीक है, जो कि नेपाल में है और दुनिया के 7th नंबर पे वो पीक आती है, हाईएस्ट पीक है। तो मैं उसके लिए जा रही हूँ और कल ही मैं उसके लिए रवाना हो रही हूँ। देखिए सर, मैं अगर बात करूँ कि इस तरह से मुझे आना, देखिए पहली बात तो यही है कि ये बहुत महंगा और एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और अगर आपको ऐसा करना है तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में ठीक अच्छा बैलेंस चाहिए। तो हाँ, मुझे जाना पड़ रहा है, लोगों से बात करनी पड़ रही है और जिससे मैं ट्रेनिंग पे ध्यान तो नहीं दे पा रही हूँ, मैं सिर्फ वही कर पा रही हूँ, पैसे ही इकट्ठे कर पा रही हूँ, देन उसके बाद जा रही हूँ एकदम। तो मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि चलो स्ट्रगल भी ठीक रहेगा, बट एक होना चाहिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम हॉकी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से हम वॉलीबॉल को, जिस तरह से हम जितनी भी एक्टिविटी है, अभी ओलंपिक्स है तो अभी ओलंपिक्स में सभी सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह से बढ़ चढ़ के मुझे लगता है कि एडवेंचर फील्ड में भी आना चाहिए लोगों को और इस तरह के मौके मिलने चाहिए युवाओं को कि आगे आएँ और उनकी हेल्प आप भी करें और वो भी आगे बढ़े। 14.5 लाख के आसपास का खर्चा है क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, अभी मैंने खरीदे नहीं है और उसमें से भी हमारे पास 9 लाख ही हो पाए और अभी सर धनीराम शानिल जी ने हमें सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं तो उनको मिला के 9.5 लाख रुपये हो पाए हैं। तो अभी भी कुछ कमियां हैं पर ठीक है, हम फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे पीछे जो सर मेरा है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम कर देंगे, आप जाके आओ। तो शायद मैं इक्विपमेंट इस बार नहीं ना ले पाऊँ, इस बार मैं रेंट पे ही शायद फिर से इक्विपमेंट रेंट पे ही यूज़ करूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा बहुत कमी ला सकूँ।